बजाज ऑटो से जो ऑटो सेक्टर से आ रही है, तो बजाज ऑटो का जो बोर्ड है उसने डिसाइड कर रहा है टू कंसीडर शेयर बाय बैक ऑन जनवरी 8। तो बजाज ऑटो की जो बोर्ड मीटिंग है वो 8 जनवरी को होनी है, 8 जनवरी 2024 को होनी है, और उनका बोर्ड है जो वो एक शेयर बाय बैक करने की सोच रहा है। स्टॉक जम्प 5% टॉप ₹7,000। तो इसका कहना यह है कि जब ये बाय बैक की न्यूज बाहर आई तो स्टॉक ₹7,000 तक पहुंच गया। द प्रपोजल फॉर शेयर बाय बैक वुड बी कंसीडर्ड बाय द कंपनीज बोर्ड इन द मीटिंग शेड्यूल ऑन जनवरी 8, बजाज ऑटो सेट। तो क्या शेयर बायबैक किया जाएगा, ये इस बात पे चर्चा करेंगे। कब करेंगे? जब कंपनी की बोर्ड मीटिंग होगी जो कि 8 जनवरी को होनी है। अगर हम पिछले एक महीने में देखें तो बजाज ऑटो का शेयर लगभग ₹800 भाग गया है और अभी वो ₹6,929.95 का एक शेयर है। फिलहाल देखा जाए तो एक महीने से हमारा मार्केट भी बहुत अच्छे से भागा है, तो उसमें सब भागे हुए हैं। तो मैं तो यही कहूंगा कि आप पहले देख लीजिए, क्या पता ये करेक्ट हो जाए, थोड़ा नीचे मिल जाए, और किस अमाउंट पे बाय बैक हो रहा है। और अगर क्या होता है, अगर मान लीजिए बाय बैक के लिए बजाज ऑटो ने ₹7,000 शेयर प्राइस फिक्स किया है और उसको मार्केट से ये शेयर 6,900 पे ही मिल जा रहा है, तो वो 6,900 पर ही इसको बाय बैक कर लेते हैं, वो 7,000 नहीं ले जाते हैं। आप इस गलतफहमी मत रहिएगा कि कंपनी ने कहा है कि 7,000 में करेंगे तो ₹7,000 आपको मिलेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता है भाइयों। वो मार्केट से शेयर उठाते हैं, मार्केट में जिस रेट में रहता है तो उस रेट से वो शेयर खरीद लिए जाते हैं। बजाज ऑटो सेड इन रेगुलेटरी फाइलिंग दैट दे विल कंसीडर अ प्रपोजल टू बाय बैक फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी एंड अदर मैटर्स नेसेसरी एंड इंसिडेंटल थेरेटू इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया रेगुलेशंस 2018 हैज अमेंडेड अनदर एप्लीकेबल लॉस। बजाज ऑटो ने ये बस कहा है कि हम सोचेंगे कि शेयर्स को बैक किया जाए, और उन्होंने ये बताया है इन सब में कि हम लोग उन सभी कानूनों का ध्यान रखेंगे जो शेयर बायबैक से जुड़े हुए हैं। तो सीएनबीसी टीवी18 से बात करते हुए राजीव बजाज जो सीईओ हैं बजाज ऑटो के, सेड दैट द बायबैक इज एन एफिशिएंट वे टू रिटर्न कैपिटल टू शेयर होल्डर्स। द रेशनल इज दैट दे हैव हैड एन आउटस्टैंडिंग क्वार्टर, ही सेड। बजाज ऑटो ने थर्ड क्वार्टर में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, इसीलिए ऐसा माना जा रहा है कि शेयर बायबैक करके जो शेयर होल्डर्स हैं उनको थोड़ा कैपिटल वापस किया जाए। तो शेयर बायबैक करती हैं कंपनियां, बहुत से कारणों से करती हैं, पैसा हो जाता है उनके पास, आ जाता है, सोचते हैं कि अपना शेयर खरीद ले वापस, कंपनी की ग्रोथ का फायदा उनके शेयर होल्डर्स को मिले, तो इन सब कारणों की वजह से कंपनीज शेयर बायबैक करती हैं। हाँ, राजीव बजाज जी ने व्हेनेवर कैश ऑन बुक्स क्रॉस 15,000 करोड़ वी लुक टू गिव बैक टू इन्वेस्टर्स। बजाज एडेड दैट दे हैव री इंजीनियर देयर बिजनेस टू इन्वेस्ट इन न्यू टेक्नोलॉजी सच एज इन्वेस्टमेंट फॉर टेक्नोलॉजी एंड फैसिलिटीज फॉर चेतक एंड अ न्यू प्लांट फॉर KTM इन चाकन पुणे। तो क्या कर रहे हैं कि बजाज ऑटो में शेयर बायबैक के साथ उन लोग अलग अलग प्रोजेक्ट्स, अलग अलग प्लान्स और नई नई टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर रहे हैं ताकि वो बेस्ट बेस्ट बाइक्स और ऑटोमोबाइल्स अपने कस्टमर्स को दे सकें। और वो नए नए प्लांट्स लगा रहे हैं, एक नया प्लांट उन लोग पुणे में लगाने जा रहे हैं KTM बाइक्स के लिए। अभी जैसा मैंने कहा और आपने पढ़ा कि बजाज ऑटो का क्वार्टरली रिजल्ट बहुत ही अच्छा आया है, तो बजाज ऑटो रिसेंटली रिपोर्टेड 16% राइज इन टोटल सेल्स एट 3,26,806 यूनिट्स इन दिसंबर 2023। तो दिसंबर 2023 में बजाज ऑटो की जो सेल्स है वो 16% से बढ़ी है और वो 3,26,806 यूनिट्स हुई हैं, विद टोटल टू व्हीलर सेल्स एट 2,83,001 यूनिट्स अगेंस्ट 2,47,052 यूनिट्स इन द ईयर अगो पीरियड। तो जो दो व्हीलर की सेल्स थी इसमें से वो 2,83,000 हुई है, और पिछले साल अगर दिसंबर की मैंने बात करें तो वो 2,50,000 ही बिकी थी। तो इस साल करीब 30-35,000 गाड़ियां इनकी टू व्हीलर सेगमेंट में और बिकी हैं। तो बजाज ऑटो का शेयर अभी तो बहुत ही महंगा है, हम जैसे रिटेलर्स के लिए तो ₹7,000 का एक शेयर, कैपिटल उतनी तो नहीं रहती है कि हम लोग उसमें ज्यादा इन्वेस्ट कर सकें। तो मेरा ऐसा मानना है अभी मार्केट अपने हाई पे चल रहा है, निफ्टी ऑल टाइम हाई के क्लोज ही चल रहा है, तो अगर मार्केट में थोड़ी करेक्शन की अगर वेट करें तो करेक्शन का वेट करते हैं। अगर ये शेयर थोड़ा नीचे आता है तो हम लोग इसको जरूर कंसिडर करेंगे बाई करने के लिए, और ये शेयर हम लोग को अच्छा मुनाफा देगा।